नहीं गणसो, तुम ये मणि नहीं ले सकते, नहीं गणसो नहीं। नहीं नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। अब गणासुर इस मणि का दुरुपयोग करके हर जगह त्राहिमाम मचा देगा। मुझे मुझे शीघ्र ही बाल गणेश जी की आराधना करनी होगी। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम गण गणपते नमः। प्रभु, क्या हुआ मुनिवर, आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रभु, मुझसे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। भूल? और आपसे? हाँ बाल गणेश, मुझे आपने इतने विश्वास से चिंतामणि दिया था और मैं मूर्ख, मैंने उस महाशक्तिशाली मणि को अपने गले में पहन लिया। तो उसमें क्या बुरा किया? आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। नहीं नहीं बाल गणेश, मुझे उस मणि को गले में नहीं पहनना चाहिए था। वो सबकी नजर में आ गया, जिसकी वजह से बड़ी समस्या हो गई है। समस्या? इसमें कौन सी समस्या मुनिवर? मैं वो मणि नहीं संभाल पाया बाल गणेश, नहीं संभाल पाया। गणासुर ने चिंतामणि को चुरा लिया। क्या? उसका ये दुस्साहस? चिंतामणि की असीम शक्तियों से वो सब कुछ नष्ट कर देगा। इस धरती को, इंसानों को, प्राणियों को, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। एक आप ही है प्रभु जो अब इस पृथ्वी को विनाश से बचा सकते हैं। आप चिंता ना करें मुनिवर, वो मणि आपको वापस मिल जाएगा। प्रभु धन्यवाद। मणि कहाँ गया? मेरा मणि कहाँ गया? इस चिंतामणि के होते मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पहले तो मैं उस ऋषि कपिला को मार दूंगा और फिर कैलाश जाकर सारे देवताओं को। सेनापति, हम इसी समय आक्रमण करेंगे, सभी दानवों को तैयार करो। कहाँ जा रहे हो गणासुर? तुम्हारी मृत्यु तो यही लिखी है, फिर तुम क्यों कहीं और जाने का कष्ट कर रहे हो? बाल गणेश, अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए बाल गणेश, क्योंकि मेरी नहीं तुम्हारी मृत्यु यही लिखी है और वो भी मेरे हाथों से। ये तो समय ही बताएगा कि किसकी मृत्यु तय है। अरे कायरों, मुंह क्या देख रहे हो, मार दो इसे। दे दो या फिर मैं तुम्हें मार कर ले लूं। बताओ, दे रहे हो या तुम्हें मार दूं?
ये चिंतामणि है इसकी असीम शक्तियों के बारे में। गणासुर, वो चिंतामणि मेरा ही है, इसलिए मुझे सब पता है इसके बारे में। तुम दे रहे हो या मैं मारूं? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो। गणासुर, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम दे रहे हो या मैं मारूं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दे रहे हो या मैं मारूं? अरे तुम क्या मारोगे मुझे, मैं तुम्हें मार दूंगा और फिर तुम्हारे पिता भोलेनाथ को। मैं अमर हूँ। तुम्हारे पिता दोनों को मार दूंगा। आपका चिंतामणि। नहीं बाल गणेश, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मेरा चिंतामणि पर कोई अधिकार नहीं, इसे कृपा करके अपने ही पास रखिए। पर क्यों मुनिवर? प्रभु, ये जिस किसी के भी हाथ लगेगा वो इसका दुरुपयोग कर सकता है, और अगर कभी ये मेरे आश्रम से फिर से चोरी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मुनिवर, जैसी आपकी इच्छा। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। बाल गणेश की जय। हाँ,
प्रभु हमारी बहुत हंसी ठिठोली कर रहे हैं, इस बार तो हम इन्हें पकड़ के ही रहेंगे। ओहो, तो चक्रव्यूह रचा गया है। अरे देव हमें छुपकर क्यों देख रहे हैं? पकड़ लिया! मूषक पकड़ो! मैं फिर बच गया। मूषक, तुम्हारी वजह से हम हमेशा हारते हैं। क्षमा करो नंदी, परंतु मेरा ध्यान भटकने के पीछे एक कारण है। क्या कारण? वो मैंने उस तरफ पेड़ के पीछे कार्तिकेय देव को देखा, वो हमें छुपकर देख रहे थे, है ना जी बात? तुम्हारे ये बहाने काम नहीं आएंगे मूषक राज। जब तक तुम सब मुझे पकड़ नहीं लेते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चलो पकड़ो, पकड़ो मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब अगर तुमने प्रभु को नहीं पकड़ा तो तुम्हें पेड़ पर उल्टा लटका कर नीचे आग लगा दूंगा। पेड़ पर उल्टा नीचे आग? नहीं नहीं, मैं पकड़ूंगा उन्हें। पकड़ो, पकड़ लिया, पकड़ लिया, मैंने प्रभु को पकड़ लिया। अब मैं पेड़ पर उल्टा नहीं लटकूंगा, नहीं लटकूंगा। खेल कूद बहुत हुआ, अब जल्दी से नहा लो, माँ ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। गणेश, हुँ? ये सब क्या है? हम खेल रहे थे माँ, अभी नहा लेंगे। कोई बात नहीं बेटा। क्या हुआ माँ, आप उदास हैं? अब तुमसे मैं क्या छुपाऊँ गणेश, युद्ध से वापस आने पर कार्तिकेय हमेशा सबसे पहले मेरे गले लगता था, मेरे हाथ के बनाए मोदक खाता था, किंतु इस बार हंसासुर को मारकर वापस आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कार्तिकेय देव को देखा है। वो आपसे नहीं मिले, मुझसे नहीं मिले, इसका क्या कारण हो सकता है माँ? कदाचित वो थका हुआ होगा। वंशज दुनिया जीतने के बाद भी शिव और उनके परिवार से हार जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है हंसासुर, जो सर्वशक्तिशाली है। जब तक वो हमारे पास है, कोई हमसे नहीं जीत सकता। भैया, देखा देखा तुम सबने, मैंने कहा था ना, कार्तिकेय आ गया है। अब और कितनी बार ये बात दोहराओगे मूषक? एक बार और। अपनी खिड़की बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं थक गया हूँ, विश्राम चाहता हूँ। ठीक है भैया, आप विश्राम कीजिए, हम जाते हैं। इससे पहले कि किसी को कुछ भी पता चले, मुझे वो सर्वशक्तिशाली चीज हासिल करना ही होगा। तुम सबको वही लगा जो मुझे लगा? हाँ, देव कार्तिकेय बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इसकी क्या वजह होगी प्रभु? अरे प्रभु कहाँ रह गए? आप रुक क्यों गए प्रभु? नंदी महाराज, ये माँ के सोने का समय है, हमारे खेल के शोर से माँ की नींद में बाधा होगी, इसलिए आज हम भी सोएंगे। सब सोने जा रहे हैं, यही मौका है। सब अपने अपने कान इधर लाओ। जैसे आप कहें प्रभु, चलो चलो छुपते हैं।
एक बार सर्वशक्तिशाली चीज मेरा हाथ लग जाए, बस सबको मसल के रख दूंगा। लेकिन उसे ढूंढू कहाँ? भाई हाँ? आप इसे ढूंढ रहे हैं ना? तुम यहाँ? तुम तो सो रहे थे ना? आपको कैसे पता चला भैया? मैंने तुम्हें इन सबको कहते हुए सुन लिया था। चोरी छुपे किसी की बातें सुनना पाप होता है भैया। वैसे आप इसे ढूंढ रहे थे ना? ये वही मोदक है भैया जिसमें माँ ने वो सर्वशक्तिशाली चीज डाली है जिसे खाने के बाद हमें युद्ध का अभ्यास करना है। सर्वशक्तिशाली चीज? अरे हाँ, यही तो मैं ढूंढ रहा था। मैं युद्ध अभ्यास के लिए तैयार हूँ गणेश। कहने को तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ गणेश, किंतु तुम मुझे हराओ तो जानो। आपकी यही इच्छा है भैया तो ये अवश्य पूरी होगी। तथास्तु। छोटे दो देव कार्तिकेय। छोटे भैया आप इधर हैं? तो ये कौन है? ये कैसा सवाल है छोटे? वो नकली है। नहीं मैं असली हूँ। नहीं मैं असली हूँ, तू मायावी है। मैं असली हूँ, तू मायावी है। हंसासुर को कौन मारने गया था? मैं गया था और उसे मार भी दिया। बग्गम तनिक अनुवाद करके बताइए तो ये क्या कह रहा है? प्रभु ये कह रहा है ऐसे तो असली नकली का अंतर करना असंभव है। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है अग्गम, इसका हल है मेरे पास। आप दोनों भाइयों को आपस में लड़ना होगा, जो जीतेगा वही असली कार्तिकीय भाई होगा। क्या आप तैयार हैं? तैयार है, तैयार है। आरंभ कीजिए। गणेश ये क्या देख रही हूँ मैं? दो दो कार्तिकेय? मेरे असली कार्तिकेय को चोट लग गई तो? रोको इन्हें। अपनी ममता को विचलित ना होने दे माँ, आप जानती है भैया को कुछ नहीं होगा। शंकासुर बता तुमने मेरा रूप क्यों धरा? जब तुम सर्वशक्तिशाली चीज के बारे में पिताजी को बता रहे थे तो मैंने सुन लिया था। मैं उसे ही चुराने आया था। तुम्हें मल्युत करते हुए देखा तो तुम्हारा रूप धरकर यहाँ आ गया, किंतु मैं सर्वशक्तिशाली चीज ग्रहण कर चुका हूँ। फिर तुम मुझसे कैसे जीत गए? सर्वशक्तिशाली चीज? मैं तो लोगों के विश्वास, उनके तप और मानवता की बात कर रहा था शंकासुर। जब तक ये सब मेरे परिवार के साथ है हमें कोई बुराई हरा नहीं सकती। किंतु तुमने क्या खाया? इसने झूठ खाया है भैया। हाँ? मुझे इसके छल का पता पहले ही लग गया था भैया, इसलिए मैंने सर्वशक्तिशाली चीज मोदक में है ये कहकर खिला दी। छल? शंकासुर से छल? आप रुक जाइए भैया, अब मेरी बारी है। असली तारे भी देख ले। माँ तुम जैसे पुत्र पाकर तो मैं धन्य हो गई। माँ आपके मोदक तो शंकासुर खा गया ना? अब क्या हमें भूखे रहना पड़ेगा? गणेश माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखती, अभी मोदक बना के खिला दूंगी।
पता नहीं ये दुष्ट लोग कब समझेंगे। इन्हें मारते मारते तो मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ गणेश, हमें भी जोर से भूख लगी है। तो चलो माँ के हाथ के बनाए हुए मोदक खाते हैं। अरे बाल गणेश, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जल्दी जाओ और ये खीर मेरी प्यारी सखी लक्ष्मी जी को दे आओ। पर माँ, हमें भी बहुत भूख लगी है। वो सब बाद में, पहले इसे दे आओ। ठीक है माँ, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाने की व्यवस्था कीजिए। जी स्वामी। रुक जाइए माते। अरे बाल गणेश, क्या हुआ? तुम इतने दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी माते, सब ठीक है। वो माँ ने आपके लिए खीर भेजी है, इसलिए मैं दौड़ा चला आया। ये लीजिए। अब आज्ञा दे माता, मुझे जाना होगा। आयुष्मान भव। मेरी सखी पार्वती को हमारा आभार कहना। आप तो बड़े भाग्यवान हैं स्वामी, आपको भूख लगते ही खीर स्वयं चलकर आपके पास आ गई। आती कैसे नहीं लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी सौभाग्य है उसका। बात तो आपकी सही है। क्या हुआ लक्ष्मी, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं। खुश होने की तो बात है स्वामी, धरती पर मेरा यश निरंतर बढ़ता जो जा रहा है। आजकल मानव सुख शांति की जगह मुझे मांग रहे हैं। वैसे अच्छा ही है, मेरा आशीर्वाद जिसके साथ हो वो ब्रह्मांड के सारे सुख पल भर में पा लेता है। लक्ष्मी की बातों में तो घमंड दिखाई दे रहा है। वैसे लक्ष्मी, यदि आपका दिया हुआ धन किसी को भी मनचाहा सुख देने के योग्य है, तो आप तो स्वयं धन की देवी हैं, फिर अब तक आप मातृत्व के सुख से वंचित क्यों हैं? वैसे खीर सच में बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए, आइए ना। हमें क्षमा करना लक्ष्मी, किंतु आपके इस घमंड के वृक्ष को अभी काटना जरूरी था। माते, बिना किसी विलंब के मातृत्व का सुख भोगने का एक उपाय है मेरे पास। आप किसी बालक को गोद ले लीजिए। बालक को गोद ले लो? ये तुम क्या कह रहे हो शेषनाग? नहीं नहीं माते, वो मैं, क्षमा क्षमा माते, भूल हो गई मुझसे। नहीं नहीं शेषनाग, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, बल्कि बल्कि तुमने तो बहुत उत्तम विचार दिया है। बालक गोद लेना ही सही रहेगा। कितना समय लगेगा इनको सबक सिखाने, घर जाके माँ के हाथ के मोदक खाने हैं। प्रभु बस हो ही गया, थोड़े जिद्दी है इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। चलो चलो जल्दी, माँ ने मोदक बना के रखे होंगे। चलो।
लक्ष्मी, हमें देखना होगा कि ऐसी कौन सी माता है जो अपनी संतान बिना किसी परेशानी के तुम्हें दे दे। मैं अभी इस कार्य का भार कार्तिकेय और बाल गणेश को सौंप देती हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे। कार्तिकेय और बाल गणेश, सखी पार्वती, तुम्हारे दो पुत्र हैं। क्या तुम मुझे कार्तिकेय या गणेश में से किसी एक को नहीं दे सकती? ये तुम सखी, मेरी इस विनती को स्वीकार कर मुझे मातृत्वता का सुख दे दो। सखी लक्ष्मी, तुम जितना आसान समझ रही हो ये सब उतना आसान नहीं है। कार्तिकेय का असल रूप 6 मुख वाला है और वो हर मुख से भोजन करता है। उसका भोजन बनाते बनाते तुम थक कर हार जाओगी। तो फिर तुम मुझे बाल गणेश दे दो। बाल गणेश को रखना भी आसान नहीं है लक्ष्मी, वो बहुत बड़ा शैतान है। तुम्हें सारा दिन अपनी उंगली पर नचाता रहेगा। उसे संभालना भी तुम्हारे बस की बात नहीं है लक्ष्मी। पार्वती, यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बाल गणेश की हर शैतानी को सहन कर लूंगी तो? कहो सखी, तो क्या तुम मुझे बाल गणेश दे दोगी? प्रणाम लक्ष्मी माता। आयुष्मान भव बाल गणेश। आप मुझे अपना पुत्र कहकर संबोधित कर सकती है माते? अर्थात? मैंने और मेरे मित्रों ने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम कहना क्या चाहते हो बाल गणेश? माँ, लक्ष्मी माँ मुझे अपना दत्तक पुत्र बनाकर मातृत्व का सुख पाना चाहती हैं। ये तो आपके पुत्र का सौभाग्य है माँ। इस प्रकार मुझे एक नहीं दो दो तेजस्वी माताओं की ममता का सुख भोगने का अवसर मिलेगा। बगम। प्रभु ये कह रहा है कि अगर आप बैकुंठ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपने मित्रों को छोड़कर नहीं जा सकते। हमसे आपका जाना सहन नहीं होगा। आपको ऐसा निर्णय लेने से पहले एक बार तो हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बस 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 बगम बस, क्या ये सब अगम ने कहा? क्षमा प्रभु, उसने तो केवल पहला वाक्य बोला था, बाकी तो मैंने अपने मन की बात कही है। हाँ प्रभु, बगम ने सही कहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मित्रों, मेरे लिए क्या बैकुंठ और क्या कैलाश, मैं तो वहाँ रहकर भी सबके साथ ही रहूँगा और ये पक्की वाली बात है। पर लगता है तुम सब लोग तो मुझे भूलने की तैयारी में लगे हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रभु, हम तो आपके शरीर का अंग हैं, हम कैसे अब... हाँ प्रभु, आपके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते। रहने की सोचोगे तो भी मैं रहने नहीं दूंगा। तो माँ, क्या निर्णय है आपका? लक्ष्मी, एक माँ की जान उसके बच्चों में बसती है। अपने अलावा किसी और को बाल गणेश की माँ कहलाने का अधिकार देना मेरी कल्पना से बाहर है। किंतु फिर भी मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है पार्वती? जिस प्रकार मुझे दो दो पुत्रों की माँ होने का सुख मिला है, वैसा ही सुख मेरी सखी को भी मिलना चाहिए। क्या सच पार्वती? हाँ सखी, मैं अपने बाल गणेश को आज से तुम्हारा दत्तक पुत्र घोषित करती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत आभार सखी। तुम जैसी सखी और बाल गणेश जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गई। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें मेरी सभी व्यवस्थाएं और समृद्धि मिले। दीपावली के दिन या कोई भी पूजा, मुझे पूजने वाले को तुम्हें अवश्य पूजना होगा। तीनों लोगों में जो भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उससे कोसों दूर रहूंगी। सखी, निसंदेह तुमने बाल गणेश को मेरा पुत्र घोषित कर दिया है, किंतु इस संसार में तुम ही बाल गणेश की माँ कहलाओगी। माँ लक्ष्मी पार्वती की जय। बाल गणेश की जय।
रुक जाओ मित्रों, तुम सब भूल गए क्या? हमें भूख लगी थी, इसलिए हम यहाँ दौड़ कर आए थे। अब जबकि लक्ष्मी जी भी मेरी माँ बन चुकी है, तो आज का भोजन इन्हें ही बनाना होगा। चलिए माते, जल्दी से मुझे 100 और इन सब के लिए भी 100-100 मोदक बना दीजिए। 100-100 मोदक सबके लिए?